यस क्लास हाँ जी, सेक्शन नंबर 96 पे हमारी बात कल चालू हो गई थी। जल्दी से बताओ क्या सेक्शन का नाम? एनुअल जनरल मीटिंग AGM। साल में कितनी बार होगी? कौन सी कंपनी इस मीटिंग को बुलाएगी? सारी कंपनी एक्सेप्ट OPC। ठीक है, अभी इस मीटिंग को अगर बुलाना है तो फर्स्ट AGM बुलाने का रूल क्या है? पहला AGM बुलाने का रूल क्या है? 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या ये फर्स्ट AGM का टाइमिंग अपना बदल सकता है क्या? बोलो, क्या ROC फर्स्ट AGM के टाइमिंग को एक्सटेंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। व्हाट अबाउट द सब्सिक्वेंट AGM? सब्सिक्वेंट AGM 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट AGM और 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। और अगर कोई रीजन आप स्पेसिफिक दें तो ROC इसका टाइमिंग 3 महीने बढ़ा भी सकता है। चलो बढ़िया, तो काफी सारे पॉइंट यहां तक अपन लोगों ने पढ़ लिए थे। तो सेक्शन नंबर 96 का जो प्रोविजन है वो तो यहां आकर के एक बार हो रहा है अपना खत्म, है ना। 96 बोले तो AGM का ना, उसके बाद में आप यहां से मेरे साथ देखो। हाँ बोलो, कौन सा वाला एग्जाम्पल? ये वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का 31 मार्च को खत्म हो रहा है और इसके लिए AGM जो है वो अपन ने 29/9/2016 को बुलाई है, तो दिक्कत 30 सितंबर से पहले पहले मीटिंग को बुलाना होता है तो अपन ने बुला लिया है, कोई दिक्कत है इसमें? भाई ये एग्जाम्पल हमने आपको दिया 6 months वाले का, टाइम गैप बिटवीन ये 6 months का ही एग्जाम्पल है। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो 30 सितंबर तक मीटिंग हो जानी चाहिए। 30 सितंबर मतलब कितना होता है? 30/9 तक, है ना। और हमने AGM अपनी बुला ली है 29/9 को, तो कोई दिक्कत है इसमें? तो इस एग्जाम्पल में समझने का है क्या? वो मुझे नहीं समझ आया, फिर ऐसे ही उसको बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया, टाइम पास चल रहा है। हाँ जी, सेक्शन नंबर 97 के ऊपर आओगे। सेक्शन नंबर 97 है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM। अब सवाल यह है कि AGM बुलाने का काम तो मीटिंग या मेंबर्स का है। देखो भाई, तुम लोग या तो डिस्टर्ब कर लो तो फिर मैं पढ़ना रोक दूं, और नहीं तो मैं जगह शिफ्ट करूंगा, तुम लोगों को आगे बिठाऊंगा, या फिर क्लास के बाहर गाओ, घर पे बैठ के पढ़ना। ये अननेसेसरी का टाइम तो खराब करो मत यार तुम, है ना। हर 5-6-7-8 दिन होते हैं तुमको एक बार कहना पड़ता है, तो इधर नहीं है क्लास में पढ़ने का मन, तो मैं आज तुम लोगों के पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, सीरियसली कर लेता हूँ। तरुण ने भी लिस्ट निकाल दिया है बराबर, तो उनसे बात करके उनको बोल देता हूँ, और इधर से रिकॉर्डिंग से बात चुकी है, पूरी देख ली, तो घर ही भेज देता हूँ मैं तुम लोगों को। सर इनको घर पर बिठा दो, पढ़ाई तो आपने पैसा तो दिया है तो पढ़ना तो यही है, बट ये क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने चार्ज वाले चैप्टर के लिए किया था। ये क्लासेस सारी रिकॉर्डेड है तो मैं रिकॉर्डिंग्स डाल देता हूँ, काम ही खत्म, आपका कोर्स खत्म इसी महीने के अंदर। तो फेस टू फेस में अगर नहीं पढ़ने का आपको मन है तो फिर काहे को अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब, जो जिनको वाकई में फेस टू फेस पढ़ना है उनका टाइम ही क्यों खराब कर रहे हो? ऐसे ही बैठ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, चाहे किसी का भी पीरियड चल रहा है, फिर कोई टीचर बाहर भेज रहा है तुमको, फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा, मतलब क्या है? क्यों टाइम पास कर रहे हो ऐसे? पूरा आपको टाइम मिल रहा है मस्ती करने का, मजाक करने का, ठीक है। जब टॉपिक कोई भी चल रहा हो तो उस वक्त तो कम से कम सीरियसली पढ़ लिया करो यार, वाकई करो ना, तुमको जो करना हो करो, कौन रोक रहा है बराबर। लेकिन पढ़ाई के टाइम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस किसी तरह का नहीं चाहिए, टाइमिंग वैसे भी कम रहता है, वो टाइमली चीज को खत्म करने दो। तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल AGM सेक्शन नंबर काम कर रहा है इधर 97। सवाल यह है कि ट्रिब्यूनल अभी AGM को क्यों कॉल करेगा, अभी ऐसा क्या हो गया? तो चेक करते हैं, आओ देखो। रीजन में लिखा है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी जो है वो AGM को कॉल नहीं कर पाई बराबर। तो अगर कंपनी ने AGM को कॉल करने में डिफॉल्ट किया है तो एनी मेंबर ऑफ द कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल टू कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एन AGM ऑफ द कंपनी। सवाल ये कि भाई AGM मेंबर्स की होती है, ठीक है, और अगर कंपनी AGM को कॉल नहीं कर पा रही है तो कोई भी मेंबर क्या करेगा, खुद तो बुला नहीं सकता है, तो बट ऑब्वियस उसको जाना पड़ेगा कहां पे, ट्रिब्यूनल के पास में, और वो अप्लाई कर सकता है सर या तो आप खुद ही बुला लो या कंपनी को डायरेक्शन दो कि कंपनी AGM को बुलाए, ठीक है। अब यहां पे ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर करेगा तो कंपनी को मीटिंग बुलाना है, या ट्रिब्यूनल खुद भी AGM कॉल कर सकता है, जो रूल्स आगे अपन पढ़ेंगे उन्हीं के बेसिस पे। अब एक बढ़िया चीज ये है, ट्रिब्यूनल मे गिव सच एंसिलरी या कॉन्सिक्वेंटल डायरेक्शन एज द ट्रिब्यूनल थिंक्स नेसेसरी टू कंडक्टिंग द मीटिंग।
अब इस मीटिंग को किसे बुलाना है, वैसे ही जैसे कंपनी का एजीएम होता है, सेम वही पैटर्न है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो कुछ एडिशनल ऑर्डर इसमें इश्यू कर सकता है। क्या कर सकता है, कुछ एडिशनल ऑर्डर चाहे तो। अब एडिशनल ऑर्डर कैसे होंगे वो चेक करो। अगला पॉइंट, सर्च डायरेक्शंस मे इंक्लूड, ये जबरदस्ती नहीं है भाई, ट्रिब्यूनल की मर्जी पे होगा। मे इंक्लूड अ डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। सर ये क्या तकरार है, नॉर्मली कोरम वैसे आगे अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप कुछ पढ़ के आए हो। किसी भी प्राइवेट कंपनी के कोरम के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी के कोरम के लिए 515 or 530 चाहिए, सही है ना। 1000 तक अगर मेंबर है तो 5 से काम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 1000 से ऊपर और अप टू 5000 हो तो 15 का कोरम चाहिए होता है, और 5000 से भी ज्यादा मेंबर है तो 30 का कोरम अपने को चाहिए, उसके बगैर मीटिंग नहीं हो सकती है। अब ट्रिब्यूनल का पावर देखो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कर सकता है, एक भी मेंबर अगर वहां पे प्रेजेंट हो गया, इवन उस मेंबर का प्रॉक्सी भी आ गया, वो खुद नहीं आया, तो भी मीटिंग वैलिड होगी, ऐसा अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। ध्यान रखना भाई, जबरदस्ती नहीं ऐसा ऑर्डर करेगा ही करेगा, पक्का है। सर ऐसा ऑर्डर क्यों करेगा, सुन लो उसका रीजन भी। सपोज करो कंपनी ने एजीएम बुलाई नहीं, किसी एक मेंबर ने जाके ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया और उसकी बात ट्रिब्यूनल को सही लगी और उन्होंने एजीएम कॉल कर दी, सारे मेंबर्स एक हो गए, ऐसी की तैसी उस एक मेंबर की, जब मीटिंग कॉल होगी तो हम मीटिंग के अंदर जाएंगे ही नहीं, समझ आ रहा है। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, कोरम पूरा होगा नहीं, कोरम पूरा होगा तो मीटिंग होगी नहीं, होगा वही जो हम चाहेंगे, तो सामने सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल है, समझ लो। तो ट्रिब्यूनल कहेगा तुम शेर तो हम सवा शेर। क्या ऑर्डर कर सकता है ट्रिब्यूनल वहां पे, मतलब कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जनाबी अगर मीटिंग में आ गया, उसका प्रॉक्सी भी आ गया, तो हम मीटिंग को वैलिड मान लेंगे, और वैलिड का मतलब समझ लो उस एक ने उस मीटिंग में जो डिसीजन मेकिंग कर दिया वो सारे लोगों को मानना पड़ेगा। सोचो कंपनी में 6000 मेंबर थे, कंपनी ने एजीएम नहीं बुलाई, ठीक है, एक जन ने एप्लीकेशन दिया, एनसीएलटी ने मीटिंग कॉल कर लिया, अब रिमेनिंग 5999 मेंबर सब एक हो गए कि हम जाएंगे नहीं मीटिंग के अंदर, कम से कम 30 लोग का कोरम चाहिए, कोरम हो गई नहीं, कहानी खत्म। तो ट्रिब्यूनल ऐसे में अगर ट्रिब्यूनल को लग गया कि ऐसा कुछ पंगा हो सकता है तो वो पहले से क्या ऑर्डर कर देगा, एक जना भी अगर मीटिंग में आया तो सफिशियंट टू प्रूव कोरम। और सबसे बढ़िया बात, इस एक जने ने मीटिंग में अगर कुछ डिसाइड किया तो रिमेनिंग 5999 मेंबर्स को मानना पड़ेगा। फिर अगर तुम जाओगे ट्रिब्यूनल के पास, सर इसने ऐसा डिसीजन ले लिया, तो और थप्पड़ लगाएगा वहां पे, जब मीटिंग बुलाई थी तो तुम गए क्यों नहीं भाई, बराबर। तो इस वजह से ऐसा पावर ट्रिब्यूनल को लॉ ने दिया है, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये छोटा सा एक सेक्शन है 97, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, ठीक है। तो सवाल ये, एजीएम वैसे तो शेयर होल्डर्स के लिए होती है, बुलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी बुलाते हैं, लेकिन अगर कंपनी फेल हो गई तो एनी मेंबर कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर कॉलिंग द एजीएम। ट्रिब्यूनल हैव पावर टू गिव ऑर्डर फॉर कॉलिंग एजीएम एंड ट्रिब्यूनल हैव राइट टू गिव सम स्पेशल डायरेक्शन। उनमें से एक डायरेक्शन क्या हो सकता है, वन मेंबर और इस प्रॉक्सी इज सफिशियंट टू प्रूव दी कोरम या कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग, अपने को ध्यान में रखना। छोटा सा पॉइंट खत्म हो गया। तो ये था सेक्शन नंबर 97, दोनों ही सेक्शन हम एजीएम के मानते हैं, 96 एज वेल एज 97। सर बीच में एक सेक्शन 99 इधर से घुस गया, 98 कहां गया, और 98 के बाद एक और आएगा 100, चक्कर क्या हो गया। इन्होंने 100 नंबर पे तो समझा दिया अपने को ईजीएम, समझना, और यहीं पर अपने को दे दिया पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम। मतलब 96 वाला सेक्शन किसके लिए हो गया, एजीएम, 97 एजीएम आए एनसीएलटी, ठीक है, 98 99 और 100, 100 नंबर दे दिया इन्होंने ईजीएम का, 98 दे दिया ईजीएम आए एनसीएलटी, इधर डाल दिया इन्होंने, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए, और 99 किस चीज के लिए, डिफॉल्ट। 99 वाला सेक्शन इन सब पे लगता है, इन सब का मतलब कॉमन सेक्शन बना दिया, अगर कंपनी ने एजीएम या ईजीएम के प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो कंबाइंड पनिशमेंट किसमें दे दिया, एक ही सेक्शन के अंदर, और वो कौन सा दे दिया, 99 वाला, बराबर। तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा नंबर 100, है ना, ईजीएम पहले पढ़ना पड़ेगा, पनिशमेंट भी क्यों पढ़े, पनिशमेंट बाद में पढ़ेंगे, कॉमन एक जैसे ही है सबका, तो यहां से पढ़ लेंगे। एक चीज बीच में पढ़ लेते हैं, खास बात और धमाकेदार बात, क्योंकि एजीएम का ही पार्ट है ना, पनिशमेंट अभी नहीं पढ़ रहे,
पनिशमेंट बाद में पढ़ेंगे, वैसे पढ़ भी लेते कोई दिक्कत नहीं है, ये एजीएम ईजीएम दोनों के लिए, चलो पढ़ ही लेते हैं यहीं पे। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, मतलब दोनों मीटिंग कौन कौन सी, एजीएम एज वेल एज ईजीएम, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, कंपनी में भी ऑफिसर में भी, शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू, कितना, 1,00,000 रुपए की तो डायरेक्ट पेनल्टी, विच मे एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपए तक, और जितना लेट करोगे फर्दर फाइन लगेगा 5,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। मतलब हमने आपको एजीएम का टाइम फिक्स करके दिया है, अगर उस टाइम से आप आगे निकल गए तो 1,00,000 रुपए तक की तो डायरेक्ट पेनल्टी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर पे हो सकती है, उसके अलावा 5,000 पर डे के हिसाब से ये पेनल्टी जब तक एजीएम कॉल नहीं करोगे तब तक चलती रहेगी। पुराने कंपनीज एक्ट में ये थी 50,000 रुपया और पर डे की थी 2,500 रुपया, तो चेंज करके कर दिया कितना, 1,00,000 और पर डे का कर दिया 5,000, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नया कंपनीज एक्ट आने से पहले पुराने कंपनीज एक्ट में भी कई सारी ऐसी कंपनियां थी, 2008 से 2014 तक उन्होंने अपना एजीएम बुलाया ही नहीं, 2008 से 2014 तक एजीएम ही नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, डर नहीं था उनको, पैसा बहुत कमा रही थी उनको, क्या लगा ज्यादा से ज्यादा क्या है 50,000 रुपया लग रहा है उसको, 50,000 ही था, और पर डे का कितना है, अप टू 2,500 रुपया है, डायरेक्ट 2,500 भी नहीं है, यहां पे भी लिखा है मे एक्सटेंड टू 5,000, तो उसको भी क्या था मे एक्सटेंड टू 2,500, तो उन कंपनीज के अगेंस्ट में मान लो आरओसी ने बोला, ट्रिब्यूनल ने बोला रोज की 500 रुपए की पेनल्टी लगाओ या 1,000 की लगाओ, वो कहेंगे ठीक है लगा लेंगे, हमको इसी बुला नहीं है। फिर गवर्नमेंट जब चेंज हुआ, लॉ जब चेंज हुआ, तो उन सबको मीटिंग्स बुलाना पड़ा, तो कई बार ऐसा भी हो गया कि उन्होंने पेनल्टी भर के एजीएम के रूल्स को तोड़ा, तो इसीलिए पेनल्टी का अमाउंट डबल कर दिया, 50,000 की जगह 1,00,000, पर डे 2,500 की जगह 5,000 कर दिया, अपने को ध्यान रखना है। एक बढ़िया चीज, अगर एजीएम आप स्टेच्यूटरी टाइम के बाद कॉल करते हो, बहुत खास बात है, इट कैन नॉट सेट टू बी वॉइड और इलीगल, ओनली पेनल्टी विल बी इम्पोज। कल आप लोगों को मैंने एजीएम के रूल्स बताए, उस टाइम से लेट अगर एजीएम कॉल किया तो क्या होगा, मीटिंग वैलिड ही रहेगी, लीगल ही रहेगी, सिर्फ कंपनी हैव टू पे सम पेनल्टी, वो पेनल्टी प्रोविजन आप पे लग जाएगा, बाकी मीटिंग तो हमेशा क्या रहेगी, वैलिड ही रहेगी, क्योंकि मीटिंग को आप इनवैलिड ऐसे कर नहीं सकते चीजों की वजह से, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा, कुछ एक क्वेश्चन में अपन देखेंगे, कंपनी ने 2 साल का एजीएम एक साथ किया, कोविड वगैरह की वजह से नहीं, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, कंपनी की खुद की सिचुएशन खराब थी, सेटअप बैठ नहीं रहा था, डायरेक्टर्स में झगड़ा था, तो ऐसा हुआ कि 12, 13 और 13, 14 की मीटिंग एक साथ बुलाई, बुला सकते हो, दिक्कत नहीं है, मीटिंग तो इलीगल होती नहीं, वैलिड ही होती है, हाँ सिर्फ क्या करना पड़ा, 12, 13 की मीटिंग लेट बुलाई, उसकी आपको क्या भरनी पड़ी, पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है, तो ऐसा पॉसिबल है। फिर एक क्वेश्चन आया, क्या कंपनी का एजीएम नेशनल हॉलीडे पे हो सकता है, या नहीं हो सकता है, अपन ने पढ़ा था, है ना, लेकिन यहां पढ़ो, एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे, बट एन एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे। सुनना, हमने मीटिंग का डेट फिक्स कर दिया 25 अगस्त का और उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रूल मत लगा देना, सर अचानक छुट्टी हो जाए तो मीटिंग एक दिन पहले हो जाएगी, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, कंपनी का मीटिंग है, तो अब ऐसे नहीं कर सकते कि अचानक छुट्टी हो गई तो एक दिन पहले मीटिंग कर लेंगे, लॉ क्या कहता है, AGM can be held on national holiday if a date declared to be national holiday after the notice calling the meeting for the day have already been issued. समझ रहे हैं? मीटिंग का नोटिस हमने सारे मेंबर्स को 21 दिन पहले भेज दिया है और उसमें जो डेट लिखी है उस दिन बाद में जाके नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पर्सन है उसकी डेथ हो गई हो, सबसे बड़ा रीजन तो यही है, और उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गई, तो लॉ कहता है आप AGM को कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब किसी के दिमाग में प्रैक्टिकल डाउट आया, सर कर्फ्यू लग गया हो आप कैसे करेंगे, जाना हुआ था उस दिन जालौर गेट के अंदर कंपनी का ऑफिस है, मीटिंग होने वाली है और अचानक से आ गया कि मीटिंग वाले दिन पे कर्फ्यू है, सर अब क्या करेंगे, सर हम तो पहुंच जाएंगे वहां पे, उन्होंने बोलेंगे लॉ में लिखा हुआ है अब मीटिंग हो सकती है, वो सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, लॉ उनके बारे में डायरेक्टली प्रोविजन बना के भी क्या करेगा, ये तो सिटी टू सिटी सिचुएशन में डिपेंड करेगा, तो ऐसे में दिखी है अपने को कि एग्जम्पशन मिला हुआ ये मीटिंग आगे एडजॉइन होनी होनी है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन नेचुरल कुछ डिजास्टर आ गया है ना, तो वो सारे पॉइंट लॉ ने अपने अंदर नहीं लिखे हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से फिर खुद ही डील कर लेंगे वो लोग, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी,
अब सवाल यह है कि अगर एजीएम नहीं हुई तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी बिजनेस जो आपके चार कर रहे हैं वो भी नहीं होंगे, चलते रहेंगे फिर वो एक साल वो बुक्स में बंद हो जाएगा, लेकिन मेंबर का अप्रूवल नहीं है। हो सकता है ऑडिट भी नहीं हुई हो सकता है ऑडिट हो गई हो लेकिन मीटिंग में आपने रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं की हो। और ऑडिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अगर एजीएम ही नहीं हुआ है तो वो जो पुराना वाला ऑडिटर है वही जब तक एजीएम हो नहीं जाती है तब तक कंटिन्यू कर लेगा, यही होगा। ठीक है, चलिए जी, अब आता है सेक्शन नंबर 100, इमरजेंसी सेक्शन है। 100 नंबर पुलिस का नंबर होता है वैसे तो, और है भी इसीलिए, नाम ही यही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सोच के बताओ जब साल में एक बार एजीएम हो ही रही है तो ईजीएम की जरूरत क्या है, बोलो। सरकम चांसेस कुछ ऐसे हो गए जिनके लिए आप एक साल वेट, भाई वो तो साल में एक बार हो रही है, अब कैपिटल क्लॉज चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, बाई बैक करना है, इतने सारे काम है तो हर एक के लिए कोई एक साल वेट थोड़ी होगी। तो ये इमरजेंसी मीटिंग कह सकते हो जब अर्जेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि लॉ ने बहुत सारी जगह पे लिख दिया एसआर पास करो ओआर पास करो, मेंबर का कंसेंट तो चाहिए चाहिए, तो फिर अपने को बुलानी पड़ेगी ईजीएम। सर ये साल में कितनी बार होती है कोई लिमिट नहीं है, जब जरूरत पड़े इस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो क्या मीनिंग है, एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी अदर देन एजीएम इज कॉल्ड ईजीएम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एन ईजीएम इज कॉल्ड फॉर ट्रांजेक्टिंग सम अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस विच कैन नॉट बी पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट एजीएम, ये सिंपल सा यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो अपनी ईजीएम है ये चार तरीके से हो सकती है भाई, मतलब इसको चार लोग बुला सकते हैं। मीटिंग के अंदर तो मेंबर्स ही आते हैं वो तो फिक्स है, लेकिन ये मीटिंग कॉल चार लोग कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे ज्यादा पॉपुलर डायरेक्टर्स, कंपनी में कब क्या करना है पॉलिसी बनाने वाले होते हैं डायरेक्टर, तो वही डिसाइड करेंगे कि कब मेंबर्स को बुला के कंसेंट लेना है, क्योंकि ये काम करना है अपने को तो बीओडीज बुलाएंगे। दूसरा काम भी देखना बाय डायरेक्टर्स बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, पहले वाले में मैं लिख देता हूं डायरेक्टर ओन, पढ़ेंगे भी सब वहां से, बट डायरेक्टर खुद ही बुलाते हैं अपनी मर्जी से। दूसरे वाले में भी डायरेक्टर बुला रहे हैं लेकिन वो मेंबर्स का रिक्वेस्ट पर बुला रहे हैं। तीसरे नंबर पे बाय मेंबर्स, मेंबर्स खुद ही बुला लेंगे, है ना। और चौथे नंबर तो अपने को पता ही है, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल बुलाएगा इस मीटिंग को, तो अलग से अपने को सेक्शन नंबर दे रखा है 98 वाला। तो आइए चेक करते हैं यहां से प्रोविजन, ये देखो ये रहे, द एजीएम मे बी कन्वेंट बोर्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर, रिक्वेस्टनेस का मतलब मेंबर्स खुद जब बोर्ड उनकी रिक्वेस्ट पे मीटिंग नहीं बुलाए। और चौथे नंबर पे है एनसीएलटी, बराबर चार सिचुएशंस। आइए सिचुएशन नंबर 1 पे चलते हैं, ईजीएम बाय द बोर्ड इट्स ओन, क्या लिखा है, बोर्ड मे कॉल ईजीएम व्हेनेवर दे डीम फिट, मतलब जब उनको लगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुला के प्रपोजल दिया कि यार अब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करना पड़ेगा, जरूरी हो गया है, लेकिन लॉ उठा करके देखा तो एक सेक्शन ऐसा है जो कहता है कि उसके लिए मेंबर का कंसेंट चाहिए, सेक्शन नंबर है 13(30) मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना है तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और एजीएम का भी टाइम है नहीं तो फिर एक ही मीटिंग उनके पास बसती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो बुलाएंगे। तो छोटा सा पॉइंट था, लेकिन एक चीज बोली, प्रोवाइडेड दैट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन द होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया शेल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया, क्या बोला है, ईडीएम कहां पर होगी, ये नहीं बोला है कि विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज या रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी, उन्होंने बोला इंडिया में किधर भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या लिखा था, ये अदर देन होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर है और वो हमारी कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी है, मतलब उसका 100% कंट्रोल हमारे पास में है, तो उसकी मीटिंग कहां होगी, वो बाहर हो सकती है, इंडिया में करो तो इधर भी चलेगा बाहर भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा हर कंपनी जो यहां रजिस्टर्ड है उसका ईजीएम कहां पे होगा, इंडिया के अंदर ही होगा और इंडिया में किसी भी प्लेस पर हो सकता है। तो फर्क नंबर पहला डिफरेंस, ईजीएम कहां पे हो रही थी, सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे या सेम सिटी टाउन या विलेज में हो रही थी, बाकी जिनको एग्जम्पशन है अनलिस्टेड वालों को वो अलग चीज हो गई, ठीक है, लेकिन ईजीएम के लिए आपको डायरेक्ट बोल दिया रजिस्टर्ड ऑफिस पे करने का जरूरत नहीं है, आप इंडिया में किसी भी प्लेस के ऊपर उसको कर सकते हैं।
ठीक है, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, मतलब आईएफएससी कंपनीज के लिए, द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एट एनी प्लेस विद इन और आउटसाइड ऑफ इंडिया। आईएफएससी पब्लिक कंपनियां वैसे भी इंटरनेशनल फाइनेंस ले रही हैं, पढ़ चुके हैं अपन डिपॉजिट वाले चैप्टर में मीनिंग रखा था। तो आईएफएससी कंपनियों में अगर मेंबर एग्री करें, क्या बोला हुआ है, कंसेंट ऑफ ऑल दी शेयर होल्डर, तो मीटिंग किधर भी हो सकती है, किधर भी मतलब इंडिया में भी हो सकती है एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हो सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट आया, ईजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। अब सुनो भाई, पहला पॉइंट तो बहुत आसान था। अच्छा, एजीएम कौन कॉल कर रहा है, एजीएम डीओडी से कर रहे थे, होती मेंबर्स की है, लेकिन कॉल कौन करता है, बोर्ड। ईजीएम भी पहला ऑप्शन किसके पास है, बोर्ड का। सेकेंड पॉइंट बोला है ईजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर, सुनना, इसको बुला कौन रहा है, बोर्ड ही बुला रहा है, लेकिन बोर्ड खुद की मर्जी से नहीं, इस बार मेंबर का रिक्वेस्ट है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेंबर को क्या पड़ी है रिक्वेस्ट करने की, क्यों बुला रहे हैं मेंबर्स, क्या हो गया ऐसा, हाँ उनके राइट्स से रिलेटेड कुछ मैटर है बराबर, या उनको लगता है दिवाली स्नेह मिलन करना है कि यार बहुत दिन हो गए मेंबर लोगों को देखा नहीं है, अकेले अकेले बोर हो गए, तो क्यों ना मीटिंग बुलाई जाए, बोलो क्या कहते हो, बोलो बोलो। हाँ, क्लास में बहुत जने आज बोर हो गए, जगह बदल गई है, नई नई जगहों पे बैठे हैं, नए नए दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो कुछ कुछ लोग बड़े उदास उदास से दिख रहे हैं। हाँ जी बताओ भाई जल्दी, होता है होता है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन लगेगा फिर सब सेट हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ भाई, मेंबर लोग रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हाँ उनके राइट से इफेक्टेड मैटर है, बोलो बोलो। हाँ, या ये मैटर जो मैंने बोला कि ऐसे ही मिलने की इच्छा होगी, ये अभी जैसा मेंबर है कोई अपना, ये अगर आपने तो मिलना है, मस्ती करनी है, हाँ मस्ती करने से कभी मना नहीं है, बट क्लास के अंदर आप लोग इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हो रहे हो, है ना, तुम सिर्फ मस्ती के अंदर लगे रहते हो, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैंने पढ़ा है तुमने सुना कर भाग गए, फिर वहाँ बैठ करके फिर 1.25 की स्पीड के ऊपर एग्जाम देखोगे सारे लेक्चर, क्या मतलब निकलेगा उसका, इधर जब बैठे ही हैं तो डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। तो जल्दी से बताओ, क्या दिवाली स्नेह मिलन या ऐसा कुछ भी है तो क्या बोर्ड मना कर देगा क्या, बोलो। अब मेन चीज सुन लेना, यहाँ रीजन नहीं दिया है कि मेंबर क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है, अपना काम यह है बोर्ड को करना क्या चाहिए कि अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है तो मीटिंग बुला देनी चाहिए, ले ले मीटिंग ले ले कर लो। सर ऐसे फालतू काम के लिए उसको क्या करना है, कंपनी के वैसे इनडायरेक्टली मालिक कौन माने जाते हैं, तो जब शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि मीटिंग को बुलाना है तो उनका काम क्या है, बुलाना है बस। लेकिन सवाल ये, कोई भी मेंबर जाके रिक्वेस्ट कर देगा यार अगर मीटिंग बुलाना है, बहुत दिन हो गए, तो ऐसी मीटिंग हो जाएगी। आप चेक करो, देखना, दी बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, कुछ मेंबर का लिमिट आएगा अभी, है ना, फॉर विद प्रोसीड ड्यूली टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब बीओडीज इस मीटिंग को बुलाएगा अगर मेंबर लोग उसको करेंगे रिक्वेस्ट। सबसे बढ़िया चीज, कितने लोग रिक्वेस्ट करें तो मीटिंग बुलानी है, यहां से ए और बी पॉइंट चेक करो। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो ऐसे मेंबर जिनके पास में एटलीस्ट 1/10 या मैं बोल सकता हूं 10% का शेयर कैपिटल हो, और अगर कंपनी ऐसी है जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो कम से कम ऐसे जिनके पास में 10% का हो वोटिंग पावर। अब सुन लो, इसको समझो, कंपनी का कैपिटल है 10 करोड़ का, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ कैपिटल जिसके भी पास है, अब वो 1 करोड़ कैपिटल एक जने के पास है तो चलेगा, नंबर नहीं बोला यहां पे, और ये एक जो 10% है वो 100 लोग मिलकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी चलेगा, इधर लॉ ने नंबर ऑफ पर्सन बोला ही नहीं है, लॉ ने क्या बोला है, अगर 10% ऑफ शेयर कैपिटल अकेले के पास भी और उसने जाके बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि आप मीटिंग बुलाओ, तो बोर्ड को मीटिंग को बुलाना ही पड़ेगा बराबर। अच्छा सर, ये वोटिंग राइट्स का मतलब क्या हुआ, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग राइट नॉर्मली अपने पास होता है 1 member is equal to 1 vote, तो ऐसे में कंपनी के 100 member है तो 100 member है टोटल, दो एटलीस्ट 10 member अगर रिक्वेस्ट करेंगे 10% फिर उन्हीं के पास होगा ना, तो ही कंपनी का मीटिंग कॉल होगा। तो इससे कम है अगर सर और उनको मीटिंग कॉल करनी है तो, इस सेक्शन में अभी वाले प्रोविजन में तो नहीं होगा, एनसीएलटी का रास्ता खुला है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे कम से कम 10% का कैपिटल या वोटिंग पावर तो होना ही चाहिए। क्या हुआ,
भले ही हो ना DVR हो, उसमें क्या होता है, वोटिंग राइट तो वैसे ही कैलकुलेट होंगे जितना आपके वोटिंग राइट टोटल हुए हैं, उसमें से अगर 10% है, भले DVR सिस्टम में हो चाहे नॉर्मल सिस्टम में हो, अगर आपके पास 10% दिख रहे हैं तो आपके पास में राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है इन एडिशनल पॉइंट्स पे, इस पे क्वेश्चन बनते, अपने पास काफी क्वेश्चन है लेकिन इन एडिशनल पॉइंट को कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के अंदर डालेंगे। देखो पहला एडिशनल पॉइंट चेक करो, ऐसा कोई शेयर होल्डर जिसका कॉल्स इन एरियर है वो ये रिक्वेस्ट में इंक्लूड नहीं हो सकता है ना। मान लो 10 लोगों का रिक्वेस्ट पहुंचा जिनके पास में कह रहे 10% की कैपिटल है, बीओडी सबसे पहले उठा के 10 की शेयर होल्डिंग चेक करेगा, उनमें से एक ऐसा दिख रहा है जिसका कॉल्स इन एरियर है, कट, उनको मैसेज करेगा ये वाले बंदे के रिक्वेस्ट पे तो मीटिंग कॉल होने वाली है नहीं, और इसको हटाते हैं तो आप लोग 10% से नीचे जा रहे हो, तो आपका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल लॉ वाइज भी नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर वाले के ऊपर एक बाउंडेशन आ गया कि बेटा तू मीटिंग के अंदर रिक्वेस्ट में शामिल नहीं हो सकता, तो बात भी सही है, कंपनी को कॉल का पैसा तो देना है नहीं, होशियार ही गया कि मीटिंग की रिक्वेस्ट करनी है, क्यों भाई पहले कॉल का पैसा दो फिर मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करो। अच्छा और आगे क्या लिखा है, और के बाद शेयर्स दी होल्डर ऑफ विच हैज डाइड, जिसकी डेथ हो चुकी है, बात भी सही है, सुन लो, कंपनी ने कंपनी के पास में जब 10% का रिक्वेस्ट आया, ध्यान सुनना, रिक्वेस्ट में जो 10% लोग के नाम थे, मतलब 10% मान लो 10 लोगों के पास है, रिक्वेस्ट आने के बाद एक जने की डेथ हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, कंपनी को पता हो नहीं पता हो डेथ हो गई, रिक्वेस्ट आने के बाद डेथ हो रही है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क कब पड़ रहा है जब रिक्वेस्ट से पहले डेथ हो गई है, कंपनी हैव नॉलेज अबाउट दिस फैक्ट कि उस मेंबर की डेथ हुई है, तो सर डेथ के बाद उसका लीगल हेयर मेंबर बन गया होगा ना, अभी नहीं बना है ना, तभी तो भी डेथ का पॉइंट आ रहा है, अगर उसका लीगल हेयर मेंबर बन चुका होता तो भी डेथ का पॉइंट ही क्यों आता, वो तो जिंदा आदमी है ना, आज समझ में आई मेरी। तो अगर मान लीजिए 10% लोगों ने रिक्वेस्ट पे साइन कर दिए और रिक्वेस्ट कंपनी के पास सबमिट करने से पहले उनमें से किसी एक की डेथ हो गई है तो वो 10% के अंदर काउंट नहीं होगा, एज वेल एज उसका लीगल हेयर जब तक उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो कहते मैं भी रिक्वेस्ट कर देता हूं, बेटा तू नहीं कर सकता क्योंकि मरने वाले का लीगल हेयर जब तक उसके नाम पे शेयर रजिस्टर नहीं हो, मेंबर शेयर होल्डर हो सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन मेंबर नहीं होता है, इसलिए उसके पास भी राइट नहीं है। तो नंबर वन, कॉल्स इन एरियर वाले के पास राइट नहीं है, जिसकी डेथ हो गई उसके पास भी राइट नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ के बताओ, क्वेश्चन इसी पे बनता है, सेकेंड पॉइंट, प्लेज वाला क्या कंडीशन है, अगर उसके शेयर प्लेज पे है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सपोज करो किंग फिशर कंपनी का मीटिंग कॉल होना है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने वाला जो बंदा है वो है अपना विजय माल्या, मान लेते हैं विजय माल्या के पास 15% का शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 15% का शेयर कैपिटल अभी भी है, और उसने किंग फिशर कंपनी को रिक्वेस्ट भेजा है कि आप कंपनी का EGM कॉल करो। अब विजय माल्या के जो 15% शेयर है वो SBI के पास प्लेस पे पड़े हुए हैं, उसने गिरवी रख के और लोन लिया है। अब जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट पहुंची कंपनी के पास, कंपनी ने बोला कि तुमको मीटिंग कॉल करने का राइट है ही नहीं, तुम रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे शेयर प्लेज पे पड़े हैं SBI के पास में, सो यू आर नॉट एंटाइटल टू प्रोवाइड रिक्वेस्ट। बोलो क्या कहते हो, गलत बोल रही है कंपनी, यही क्वेश्चन बनेगा, बताओ कंपनीज एक्शन, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया है ना, बताओ कंपनीज एक्शन इज करेक्ट और नॉट, नॉट करेक्ट, क्योंकि प्लेज पे रखने के बावजूद भी कंपनी के मेंबरशिप रजिस्टर में अब तक नाम उसी का है। वो नाम कब चेंज होगा, जब वो लोन चुका नहीं पाएगा, बैंक उनको अपने पोजीशन में लेगी, फिर किसी को सेल करेगी, फिर उसका नाम आएगा, तब इसका आएगा, तब तक इसके सारे राइट सिक्योर हैं, तो प्लेज से कोई असर होने वाला नहीं है। इस पे अपने पास क्वेश्चन है, एग्जैक्टली प्लेज पे बाद में करेंगे, तो नॉट अफेक्टेड बाय प्लेज। अब थर्ड पॉइंट तो आप लोगों को पता है, क्या प्रेफरेंस शेयर भी ये रिक्वेस्ट में जुड़ सकते हैं, क्या कुछ मैटर में जुड़ सकते हैं, जब उनके इंटरेस्ट से जुड़ा कोई मैटर हो, या जब उनको 2 साल तक डिविडेंड का पेमेंट, तो दे कैन ऐड, दे कैन ज्वाइन। देखो क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन ज्वाइन इन द रिक्वेस्ट ओनली, सिर्फ कब, जब उनका डिविडेंड एरियर्स के अंदर हो, या ऐसा कोई मैटर जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, लाइक वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। बाकी में नहीं जुड़ सकते, उन्हीं मैटर में जिनमें उनको वोट देने का राइट था। तो शुरुआत यहां से हो रही है भाई, ये सेक्शन नंबर अपन ने चालू किया है 100, सेक्शन नंबर 100 कौन सा है, सेक्शन का नाम EGM। सबसे पहले कौन बुला रहा है, डायरेक्टर्स के ओन बुला रहे हैं वो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन किसके पास, अभी भी बोर्ड बुला रहा है लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। कितने मेंबर रिक्वेस्ट रहे हैं,
सर या तो 10% ऑफ शेयर कैपिटल हो या फिर 10% ऑफ वोटिंग राइट हो. इसमें ऐसा मेंबर जिसका पॉलिसी नेरियर हो नॉट इंक्लूडेड, डेथ हो नॉट इंक्लूडेड, प्लेज हो इंक्लूडेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंडीशनली इंक्लूडेड. कंडीशन का या तो डिविडेंड वाली या उनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा हो तो ये अपने को ध्यान रखना है. अब कंटेंट्स पढ़ो क्या होंगे. इस रिक्वेस्ट में द रिक्वेस्ट शैल सेट आउट द मैटर फॉर कंसिडरेशन विद द मीटिंग इज टू बी कॉल्ड. जब आप ये रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको लिख के तो भेजना पड़ेगा ना कि ये पर्पज है जिसकी वजह से हम मीटिंग को कॉल कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द रिक्वेस्ट शैल बी साइंड बाय द रिक्वेस्टनिस्ट एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. ठीक है, रिक्वेस्ट पे साइन कर देंगे और कंपनी के ऑफिस पे डिपॉजिट कर देंगे. हाँ, कौन सी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहां से आ गई. एक मिनट मिनट, कंटेंट्स एक चीज बताओ, ये रिक्वेस्ट कौन किसको कर रहा है. शेयर होल्डर कर रहे हैं बीओडीज को, तो बीओडीज खुद ही बनेंगे. मतलब तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी छुट्टी का एप्लीकेशन टीचर खुद ही लिख रहा है, महिमा को छुट्टी चाहिए, या तुम लिख के टीचर को दोगे. मेरा भी वही क्वेश्चन है, तुम्हारे स्कूल में तुमको छुट्टी चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट जो होगा छुट्टी का एप्लीकेशन तुम लिखोगे, स्कूल की टीचर लिख के तुमसे साइन करवा लेगी, तू ही लिखेगी ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इसको कर रहा है, बीओडीज को. तो बट ऑब्वियस है ये जो रिक्वेस्ट बनानी है ये भी कौन बनाएगा, मेंबर्स ही बनाएंगे. अब ये कंफ्यूज कहां हुई, इसको लग रहा है कि ये कंटेंट्स मतलब मीटिंग का नोटिस है, ये नोटिस नहीं है. ये जो हमारे रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं ये अपना रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे, बीओडीज को या कंपनी को. तो बट ऑब्वियस है ये बनाएगा कौन, मेंबर्स ही तो बनाएंगे. अच्छा फिर बीओडीज क्या करेंगे ये बताओ तुम. अगर बीओडीज मीटिंग को बुला रहे हैं तो फिर ये सारे मेंबर को भेजेंगे नोटिस, ये जाएगा ऑल मेंबर्स को. ये अलग कंसेप्ट हो गया भाई, अभी तो रिक्वेस्ट की बात हो रही है. अच्छा रिक्वेस्ट करते वक्त आपको उसमें लिखना तो पड़ेगा कि मीटिंग बुलाने का पर्पस क्या है. आपने सिर्फ ये लिख के भेज दिया वी वॉन्ट टू कॉल मीटिंग, वो रहेगा क्यों नहीं, बस वो मीटिंग में बताएंगे, बस तुम तो बुलाओ, बस बुलाओ एक बार, बुला लो सबको. ऐसा नहीं होगा, आपको मीटिंग का पर्पस तो वहां पे बताना ही पड़ेगा. ठीक है क्लियर. तो ये लोग ही तैयार कर रहे हैं. ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में कौन साइन करेगा जल्दी बताओ. अरे पढ़ लो, यही गलत करोगे तुम, ऑप्शन ही आएगा. ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में वो बंदा जिसका नाम सबसे पहले लिखा है, या कोई भी कर सकता है, बस यही फंस जाओगे. नहीं तो इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कैन बी साइन बाय एनी शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. यही पिछली बार अपने नोट्स में चार क्वेश्चन का एक सेट दे रखा है, दो दो नंबर के बनते हैं, जो आईसीआई ने पूछा था 2011-12 में, और सेम क्वेश्चन पूछा दिसंबर 21 में. वो अपने नोट्स में भी है वो क्वेश्चन, क्योंकि आईसीआई ने पूछा हुआ है पहले, एज इट इज कुछ भी चेंज नहीं किया उसके अंदर, सेम क्वेश्चन पूछ लिया. उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में चार जने थे, किसी भी एक ने साइन करके भेज दिया एंड रिफ्यूज बाय द बोर्ड. बोर्ड का भी यही कहना था कि जिसका नाम सबसे पहले उसका साइन होना चाहिए. बताओ कंपनीज एक्शन इज करेक्ट और नॉट, नॉट करेक्ट, बिकॉज सेक्शन क्या कहता है, एनी वन कैन साइन, साइन कोई भी कर सकता है, लेकिन वोट कौन देगा. अगर वोटिंग की बात होती तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है वो वोट करेगा, डिफरेंस है. चलो टाइमिंग फॉर कॉलिंग मीटिंग, अच्छा पॉइंट. मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट. क्या मतलब हुआ, यानी जब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा उसके 45 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को ये मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है. रिक्वेस्ट जब इन्होंने सबमिट किया वहां से कितना दिन बुलाए, 45 दिन, 45 डेज. और अगर बोर्ड 45 दिन में ये मीटिंग नहीं बुलाता है तो तीसरा पॉइंट, ईजीएम कॉल बाय रिक्वेस्टनिस्ट, खुद ही बुला लेंगे. तो सर पहले रिक्वेस्ट क्यों किया, एक तरीका होता है, लाइफ का फंडा होता है, पहले आवेदन फिर निवेदन, नहीं तो फिर दे धनाधन, समझे. तो ये लाइफ का फंडा यहां पे भी है भाई, पहले लॉ ने कहा रिक्वेस्ट करके देख लो, है ना. कई चीजें क्या होती है कि रिक्वेस्ट करने से सॉल्व हो जाती है. कहते ना घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले डब्बा टेढ़ा करना पड़ता है. आजकल उंगली टेढ़ी नहीं होती है, अगर पूरा डब्बा ही टेढ़ा करना पड़ता है. तो वही कंसेप्ट यहां पे है, पहले लॉ ने कहा एक बार रिक्वेस्ट करके देख लो भाई. और सबसे बड़ी बात, इसीलिए मैंने कहा था बोर्ड को ये मीटिंग बुला देनी चाहिए. मालिक लोग बुला रहे, तुमको क्या तकलीफ हो रही है, सर फालतू खर्चा हो जाएगा, उनका होगा ना, तुम्हारा तो देव से नहीं जा रहा है, होने दो. लेकिन अगर इन्होंने 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाई तो ये मीटिंग वो मेंबर
खुद ही कॉल कर लेंगे. कैसे दिखते हैं, आ जाओ. इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल अ मीटिंग विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट और रिक्वेस्ट, द मीटिंग मे बी कॉल्ड बाय द रिक्वेस्टनिस्ट देमसेल्फ. खुद ही मीटिंग को बुला लेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद बेचारे 45 दिन तक वेट कर रहे हैं कि तुम बुला लो तो ठीक है. अच्छा, पता उनको 20-21-22 दिन में ही चल जाएगा, क्योंकि मीटिंग से 21 दिन पहले तो नोटिस आ ही जाता है. नहीं आया तो उनको पता तो लग ही गया कि हाँ ये लोग मीटिंग नहीं कॉल कर रहे हैं, तो खुद बुलाएंगे. टाइमिंग है उसका भी चेक कर दें. सबसे पहले दो ये दो पॉइंट तो आपको पहले से पता है, कितने लोग मीटिंग को बुलाएंगे, वही जिनके पास में एटलीस्ट 10% का कैपिटल या 10% का वोटिंग राइट हो, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया, नहीं तो खुद ने बुला लिया. अब एडिशनल पॉइंट देखो, पहला क्वेश्चन, 10% मान लो मेरे अकेले के पास है, मैंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने नहीं बुलाई, अब मुझे कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, लेकिन मेरे पास सारे मेंबर के एड्रेस थोड़ी है. पहला पॉइंट पढ़ के बताओ, फर्स्ट पॉइंट एडिशनल का. फर्स्ट पॉइंट मैं कंपनी से डिमांड करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ मेंबर, तो मुझे वो लोग लिस्ट ऑफ मेंबर विद देयर एड्रेस, वो सारा का सारा बाउंड है वो देने के लिए. सर वो फिर भी नहीं दें तो एनसीएलटी खुलेगी मेरे पास में, आखिरी हथियार मेरे पास कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करने का है, तो बोर्ड मुझे यहां पे लिस्ट प्रोवाइड करेगा. सेकंड पॉइंट, ये नोटिस मैं भेजूंगा कैसे. अच्छा, इसमें काम करना, सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, दो लाइनें एक्सीडेंटल ओमिशन वाली लाइन सेक्शन नंबर 101 में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दो लाइन है. कैसे भेजना है, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ईमेल के थ्रू. तीन ऑप्शन दिए भाई. मेरे पास 10% है, मैं ये भेज रहा हूं सारे मेंबर्स को, कैसे, या तो स्पीड पोस्ट से, या रजिस्टर्ड पोस्ट, या मेल से. अब देखो मेल में तो शायद खर्चा नहीं के बराबर होगा, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट में तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा. कंपनी करेगी कि मैं रेप से दूंगा, मीटिंग तो मैं बुला रहा हूं, या एक बार मैं दे दूं बाद में कंपनी कंपनसेट कर दे, ऐसा कुछ. चेक करते हैं, आगे पढ़ते हैं. मैनर चेक करो, द मीटिंग शैल बी कॉल्ड इन द सेम मैनर. बिल्कुल वैसे ही, अगर बोर्ड मीटिंग को बुलाता तो कैसी मीटिंग होती वैसे ही बुलाना है. टाइमिंग चेक कर लो, बहुत जबरदस्त है. द मीटिंग शैल नॉट बी हेल्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 महीने. लेकिन 3 महीने कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिक्वेस्ट. तो प्रैक्टिकली 45 दिन मिल रहे हैं, सोच लो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद पहले 45 दिन में बोर्ड बुलाता, बोर्ड ने नहीं बुलाया, तो लॉ कहता है जब मैंने डिपॉजिट किया था वहां से मुझे 3 महीना मिल रहा है, तो 45 डेज तो जा चुके हैं. अब प्रैक्टिकली मेरे पास कितने हैं, 45 डेज ही हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 3 मंथ्स पे ही आएगा, और आपको लिखना भी क्या है, 3 मंथ, लेकिन 3 महीने कहां से, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, डेट ऑफ रिक्वेस्ट, डिपॉजिटेड, बराबर, जब रिक्वेस्ट डिपॉजिट किया वहां से 3 महीने मिल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 45 दिन. अब एक्सपेंसेस का पॉइंट पढ़ के बताओ क्या होने जा रहा है. एक्सपेंसेस चेक करो भाई, एक बार तो एक्सपेंसेस जो भी रीजनेबल होंगे वो कर देगा मेंबर रिक्वेस्टनिस्ट, लेकिन उसके बाद सम सो पेड शैल बी रिटेन बाय द कंपनी. अच्छा, कंपनी से ले लेगा और फिर कंपनी क्या करेगी. सबसे बढ़िया चीज देखो, शैल बी रिटेन बाय द कंपनी आउट ऑफ द रेमुनरेशन और सम ड्यू टू डिफॉल्टिंग डायरेक्टर. ये सबसे खतरनाक चीज है, ये डायरेक्टर को कहना नहीं मानने की सजा. अगर तुम इस मीटिंग को रिक्वेस्ट पे बुला लेते तो सारा खर्चा होता कंपनी का. उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तुमने मीटिंग को नहीं बुलाया, अब वो खुद मीटिंग को बुला रहे हैं, तो ये सारा खर्चा फर्स्टली तो दे देंगे कौन, रिक्वेस्टनिस्ट मेंबर, फिर वो रिकवर करेंगे कंपनी से, और कंपनी उस सारे खर्चे को कट कहां से करेगी, डायरेक्टर के रेमुनरेशन से कट हो जाएगा. ये बड़ा पंगा है उनके साथ में, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए. एक चीज ध्यान रखना, रीजनेबल एक्सपेंसेस है. बोर्ड अगर मीटिंग को बुलाता तो शायद रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुलाता, इन लोगों ने मीटिंग बुला दी 5-स्टार होटल में, कि जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा जम के करो. बोर्ड अगर मीटिंग को बुलाता तो सिर्फ नाश्ता रखता, इन्होंने पूरा लंच रख लिया, तो लॉ कहता है ये सब नहीं चलेगा. रीजनेबल का डेफिनेशन लॉ में है नहीं, वैसे ऊपर लिख दिया था मीटिंग जहां तक हो सके वैसे ही बुलाना है जैसा बोर्ड बुलाता, तो वही खर्चे आपके कंपनसेट हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. नाउ आज का लास्ट पॉइंट, मुझे ये बताओ, ये तो 3 तरीके हो गए, बोर्ड ने खुद ने बुला लिया, रिक्वेस्ट पे हो गया, या रिक्वेस्ट ने खुद ने बुला लिया. मैं एक ऐसा मेंबर हूं जो चाहता हूं कि ईजीएम बुलाई जाए, बट मेरे पास में 10% का वोटिंग पावर या 10% का कैपिटल नहीं है,
तो अपने पास एक रास्ता बचता है एनसीएलटी, लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट भी देखना। इफ फॉर एनी रीजन सेक्शन नंबर 98 चालू हो गया अभी साथ में, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी ईजीएम नहीं बुला पा रही है, पॉसिबल नहीं हो रही है, और टू होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी द ट्रिब्यूनल मे, ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। पहला पॉइंट लिखा है स्यूमोटो, स्यूमोटो का मतलब स्यूमोटो बोलो, लिख दो आगे ओन डिजायर, खुद की मर्जी से, लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड अब तक आया नहीं क्या टेक्स्ट वगैरह में, स्यूमोटो का मतलब होता है बाय ओन, समझना लिख देना भाई, बाय ओन मीनिंग समझाता हूं आपको इसका, बाय ओन, बाय ओन का मतलब खुद की मर्जी से एनसीएलटी ऐसा ऑर्डर कर सकती है। आजकल अपने यहां पे स्यूमोटो वाली चीजें बहुत होती है, जैसे आप लोग कोर्ट रूम में देखते हो कि कोई एक जना दूसरे पर केस करता है, कई बार कोर्ट खुद ही केस फाइल कर लेता है बिना किसी के एप्लीकेशन दिए, दिस इज कॉल्ड स्यूमोटो। दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको सीधा समझ आएगा। जोधपुर में कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स के ऑर्डर दिए, तो ऑर्डर देने के बाद भी ट्रैफिक रूल्स कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो हाईकोर्ट ने क्या किया, एक सेल्फ पिटिशन फाइल कर दी खुद ने ही कि जोधपुर का ट्रैफिक रूल बहुत खराब है, और उन्होंने सारे जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो भी पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको ऑर्डर इशू कर दिए कि एक महीने के अंदर अंदर हमको जवाब दिए, और नहीं तो ऑफिसर्स को वो लोग क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ऐसा ऑर्डर कोर्ट खुद ही ले सकती है, इसको कहते हैं ओन डिजायर, है ना। पर आजकल ये इंडिया लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में हाई कोर्ट के पास में पावर्स होते हैं कि वो अपने ओन डिजायर से खुद ही मैटर को फाइल कर सकती है। एक एग्जांपल यहीं का आपको देता हूं, अपना जो इधर ये सनसिटी आइसक्रीम बना हुआ है, ठीक है, यहां एक बार एक शाम के वक्त में जस्सा भाई जूस वूस पीने के लिए फैमिली के साथ आए थे, ठीक है, तो आए 5 साल पहले की होगी, तो जूस वूस पीने के लिए वहां पे आए और उन्होंने सामने की तरफ देखा तो जो पार्किंग स्लॉट एक छोटा सा जहां एक इलेक्ट्रिक का बड़ा सा मीटर लगा हुआ है उसके नीचे एक डंपिंग स्टेशन था। अब तो क्या कचरे का डब्बा बड़ा सा पड़ा रहता है, पहले वो था नहीं, तो सनसिटी प्लस यहाँ पे 2-3 जूस वाले और कैफे वाले और थे, वो सारा वेस्ट जो है वो वहीं पे फेंकते थे सारा का सारा, और बहुत बड़ा सा डेढ़ लग गया था। तो इमीडिएटली जब उन्होंने देखा तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, ऑर्डर नहीं किया किसी को, उन्होंने सीधा सीधा सा कि अपने पास में स्यूमोटो एक केस ही फाइल कर दिया अबाउट द क्लीननेस ऑफ जोधपुर सिटी, और उसके अंदर ये मैटर भी डाला और सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बुलाया कि 15 दिन के अंदर इसका जवाब चाहिए कि कहां कहां आपने डंपिंग स्टेशन लगाया, कहां कहां पे जो भी डस्टबिन से वो लगाया, और उसका क्या किस तरह से आप काम कर रहे हो, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आजकल अपनी कंप्लेन करने भी होता है, कोर्ट खुद की मर्जी से भी अगर उनको लगता है तो मैटर फाइल कर सकती है, बराबर से। एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने इसके ऊपर। तो स्यूमोटो का मतलब ओन डिजायर। अब सवाल ये, एनसीएलटी या खुद की डिजायर से क्यों मीटिंग बुलाएगा, ऐसा एनसीएलटी को क्या लगा कि वो ईजीएम बुला रहा है, बोलो बोलो सोचो, ऐसा क्या हुआ है कंपनी में कि खुद को बुलानी पड़ रही है उनको, किसी तरह का कोई फ्रॉड पकड़ में आ। अच्छा, इसमें कई बार ये कोर्ट वगैरह जो है ना न्यूज़पेपर्स भी देख लेते हैं, मीडिया रिपोर्ट, सर वो तो आधी झूठी होती है आधी सच्ची भी होती है, तो अगर कोई मीडिया रिपोर्ट किसी कंपनी के बारे में आ रही है कि उसमें फ्रॉड चल रहा है या मेंबर्स लोगों को डिविडेंड्स के पेमेंट नहीं हो रहे हैं या मेंबर्स लोगों के राइट स्पॉइल हो रहे हैं या बट ऑब्वियस ट्रिब्यूनल है तो आरओसी के थ्रू भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो ऐसे में वो खुद ही ऑर्डर कर सकता है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है और इनका ईजीएम कॉल किया जाए जैसा हम डायरेक्शन देंगे वैसा। सेकेंड पॉइंट तो आपको पता ही है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है या मेंबर भी रिक्वेस्ट कर सकता है जिसको वोटिंग का राइट होता है, तो 3 लोग ये मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल खुद, डायरेक्टर, मेंबर, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर, जो भी ट्रिब्यूनल को ठीक लगे, बराबर। और डायरेक्टर वही बात हो गई ना, डायरेक्टर अकेला ईजीएम थोड़ी बुला सकता है, बोलो। आप सब जानते हो कि बोर्ड में 7 जने हैं और बोर्ड को अगर मीटिंग बुलानी है ईजीएम तो 7 में से 4 जने अगर एग्री करेंगे तभी आप ईजीएम बुला सकते हो, नहीं तो कैसे बुलाओगे, वो एग्री है नहीं। और किसी एक डायरेक्टर को लग रहा है कि मेंबर्स के साथ में चीटिंग है या प्रॉब्लम है या मेंबर्स से मीटिंग बुलाना चाहिए, वो खुद तो बुला नहीं सकता है, तो फिर वो जाएगा ट्रिब्यूनल के पास में और रिक्वेस्ट करेगा कि अपने को ध्यान रखना है। 1 मेंबर कोरम और 2nd 3rd तो आप खुद ही पढ़ लो, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, 2nd 3rd पढ़ो। एक मेंबर भी या उसका प्रॉक्सी भी आया तो कोरम हो सकता है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट था और इस मीटिंग को भी बिल्कुल उसी तरह से माना जाएगा जैसे कंपनी ने खुद ने कॉल किया हो, ध्यान में रखना है। और अगर इस मीटिंग को बुलाने में डिफॉल्ट किया
तो सेक्शन 99 का डिफॉल्ट कौन सा था, 5000 पर डे, और डायरेक्ट पेनल्टी 1 लाख वाली, वो इधर भी एप्लीकेबल होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा कुछ खास पॉइंट्स और हैं, कल करेंगे, क्वेश्चंस पे आओ। काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ जी, तो क्वेश्चंस में बता रहा हूं आपको कौन से क्वेश्चन लेने अपने को अभी। क्वेश्चन नंबर 11th, एक क्वेश्चन लीजिए 11th नंबर, देखो क्या बोला है। 11th क्वेश्चन में बोला है SCM लिमिटेड इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन SPL लिमिटेड, बराबर, क्या मतलब हुआ? SCM लिमिटेड इज होल्डिंग मोर देन 10% इन SPL लिमिटेड, ठीक है। आगे बोला है SCM लिमिटेड जो शेयर होल्डर है प्लेज इट शेयर टू सिक्योर इट्स डेप्ट एंड रिसीवर इज अपॉइंटेड फॉर द रिकवरी ऑफ द डेप्ट। मतलब SPL लिमिटेड में 10% का होल्डिंग किसका है? SCM का, और इसने अपने शेयर कहां पे रखे हुए हैं? प्लेज पे, और जिसके लिए रिसीवर का अपॉइंटमेंट भी हो गया है। लेकिन आगे वाली लाइन बहुत अच्छी है, द शेयर्स हाउएवर कंटिन्यू टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ SCM। अभी तक भी कंपनी के रजिस्टर में नाम SCM का ही लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, SCM लिमिटेड डिपॉजिटेड अ रिक्वेस्ट रिक्वेस्टिंग द कंपनी टू कॉल EGM। यही तक पढ़ के बता, बुला सकती है कहीं? 10% की शेयर होल्डिंग है और प्लेज का कोई असर होने वाला नहीं है, है ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ SPL लिमिटेड क्लेम दैट SCM इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिक्वेस्ट द मीटिंग। वो कह रहे हैं भाई आपके पास वो शेयर प्लेज पे है तो आप एंटाइटल हो ही नहीं। डिसाइड गिविंग रीजन वेदर द रिक्वेस्ट मेड बाय द SCM लिमिटेड इज वैलिड। क्या कहते हो? बिल्कुल 100% वैलिड होगी। तो सर इसमें आंसर लिखना कितना है? कॉल्ड बाय रिक्वेस्टनेस वाला पॉइंट, 10% होल्डिंग वाला, और वो प्लेज वाला पॉइंट अपने को लगा करके देन फाइनल आंसर लिख देना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा इसमें एक और काम करें, ये जो 13 वाला क्वेश्चन देख रहे हो यही दिसंबर 21 का क्वेश्चन था। ये बहुत पहले से अपनी बुक में है क्योंकि एग्जाम में 11-12 पुराना कंपनीज एक था ना, तभी ये क्वेश्चन आया था, तो इन्होंने एज इट इज वापस रिपीट मारा क्योंकि प्रोविजन सेम है। तो इसका आपको बी वाला क्वेश्चन देखना है, ए नहीं, 13 का बी वाला, ए कल कराऊंगा। बोलो भी क्या बोला है, द बीओडी रिफ्यूज टू कन्वेंट ईजीएम ऑन द ग्राउंड दैट रिक्वेस्टनेस हैव नॉट बीन साइन बाय द जॉइंट होल्डर नेम फर्स्ट इन द रजिस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर। बीओडी से मना कर दिया, तो एक्शन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट हो जाएगा एक्शन। देखो अपन ने लिख भी दिया यहां पे, ये देखो बी का आंसर नॉट वैलिड, एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कैन साइन, ठीक है। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन 14 कर लो, खत्म करते हैं आज 14 वाला, इसके ए और सी डी भी करने अपने को। कंपनी का पेडअप शेयर कैपिटल 5 लाख है, 50,000 का इक्विटी शेयर है, 10 रुपए ईच का। सर्टेन मेंबर ऑफ कंपनी होल्डिंग फॉलोइंग शेयर रिक्वेस्ट एन ईजीएम, ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बताओ भाई कर सकते हैं क्या? 10% नहीं है इनके पास? अच्छा चेक करो, तो बोनस शेयर है तो क्या शेयर होल्डर तो है, बोनस भी इनके शेयर में एड ही हो रहे हैं, चाहे बोनस हो चाहे राइट शेयर हो, अल्टीमेटली तो शेयर ही नहीं गए हो रहा है ना भाई। भाई इन शेयर का टोटल कितना आ रहा है? 5250, 50,000 शेयर है। अगर मैं शेयर पे बात करूं तो 10% से ज्यादा हो गए ना भाई, 5,000 से ज्यादा है, तो दे कैन रिक्वेस्ट। ये जब एग्जाम में आया तो एक गलती स्टूडेंट्स ने क्या की, नंबर वन सबको इंडिविजुअल चेक कर लिया, सबका अलग अलग चेक किया, अलग अलग काम बोला है, बोला ना सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो आपको तीनों ऐड करना है, ये सब मिलकर के अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वो गलती करी, बोनस और राइट शेयर उड़ा दिए, या बोनस उड़ा दिए, किसी ने राइट उड़ा दिए, कुछ नहीं उड़ाना है, टोटल करना है आपको सीधा, इनके पास में 10% है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द डायरेक्टर हैव फेल्ड टू कॉल द मीटिंग ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट आर्टिकल हैव नॉट परमिटेड द सेम। आर्टिकल्स का रोल ही नहीं है, मेनली बीओडीज ने मीटिंग कॉल नहीं की है, तो हमने आपसे पूछा व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन ओपन फॉर द अफोर्सेड मेंबर। तो मेंबर क्या करेंगे, खुद ही बुला लेंगे, है ना, तो मेंबर हैव राइट टू कॉल ईजीएम देमसेल्फ। तो 10% है, रिक्वेस्ट किया उनको बुलाना चाहिए था विद इन 45 डेज, नहीं बुलाया तो दे कैन कॉल विद इन 3 मंथ्स, वो वाला पॉइंट लिखा है अपने को। इतना आज के लिए करो, कल कंटिन्यू करेंगे।